किसी को पीआई बुला रहा है, किसी को क्राइम ब्रांच बुला रहा है जो लोकल क्राइम ब्रांच है, एलसीबी बुला रहा है, कहीं पे डायरेक्ट आईजी जो है वो बुला रहे हैं, और बुला के यही कह रहे हैं कि देखिए अमित शाह बहुत बड़े नेता हैं, उनका ये ख्वाब है, उनका ये सपना है कि वो सबसे ज्यादा वोट से जीते, और आपकी तो लीडर जो है वो जीतेंगे नहीं, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप लोग निष्क्रिय हो जाएं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो या सिटी प्रेसिडेंट हो या दूसरे कार्यकर्ता हो, उन लोगों को सबको दबाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। गुजरात में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर पूरे देश भर में एक चर्चा का माहौल है, खासकर गांधीनगर सीट। गांधीनगर सीट पर लगातार विवाद है और कहा यह जा रहा है कि अमित शाह का इस बार लक्ष्य यह है कि देश में सबसे ज्यादा वोटिंग से वह जीते। इसके लिए खुद अमित शाह, उनके समर्थक तरह तरह के दिक्कतें कर रहे हैं। ये शिकायतें सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं, वहां जाने वाले पत्रकार कर रहे हैं, और वहां से खुद कैंडिडेट सोनल पटेल हमारे साथ हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस की वहां से कैंडिडेट हैं। सबसे पहले टिप्पणी हम उन्हीं से लेते हैं क्योंकि वह लगातार क्षेत्र में है, प्रचार में है। सोनल जी, आप ये बताइए कि आखिरकार क्या समस्या क्या आ रही है? चुनाव आयोग है, सब कुछ है, देश का संविधान अभी है, बावजूद उसके दिक्कत क्या आ रही है जिससे लगातार सामाजिक कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं? नमस्कार, ये मैं अभी गांधीनगर जो लोकसभा है उसके क्षेत्र में ही घूम रही हूँ। समस्या का रीजन ये है कि अगर अमित शाह और बीजेपी जो अपने पेज प्रमुख की जो बात कर रहे हैं और इतने बड़े संगठन की बात कर रहे हैं उसके द्वारा लड़ते तो और बात थी, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अमित शाह का प्रचार पुलिस तंत्र और पूरी गवर्नमेंट मशीनरी ही कर रही है। जगह जगह जो पुलिस तंत्र है वो अलग अलग लेवल पे हमारे बड़े लीडर से लेके छोटे कार्यकर्ता तक को डिस्करेज कर रहे हैं। जहाँ पे जिसके साथ जिस प्रकार का आदमी है ऐसा बिहेवियर होता है, किसी को प्यार से बुलाते हैं, चाय पे बुलाते हैं, किसी को उस तरह से बुलाते हैं जैसे केसेस पेंडिंग है, किसी को धमकी दी जाती है, तो इस तरह से पूरा जो हमारा संगठन है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो या सिटी प्रेसिडेंट हो या दूसरे कार्यकर्ता हो, उन लोगों को सबको दबाने की कोशिश की जा रही है। और जो विस्तार में भी जो लोग हैं उन लोगों को भी, जैसे हमने कहीं मीटिंग की तो दूसरे तीसरे दिन ही हमारे लोगों को ले जाके जबरदस्ती बीजेपी में शामिल कराना, ये सब इन लोगों का काम चल रहा है। तो इसकी वजह से ये होता है कि हमारा जो प्रचार तंत्र हम तो कर ही रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो डरते नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल इनके ऊपर दबाव आता है और प्रेशर आता है, उसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। जैसे शबनम जी ने कहा, वो आई थी, देखा था इन्होंने, तो वो बात बिल्कुल सही है, वो लोगों को भी मिली थी, हमारे कार्यकर्ताओं को भी मिली थी। और दूसरा जो इनका प्रचार है जो बिल्कुल हमारी आचार संहिता के खिलाफ है, उसकी हम कंप्लेन भी कर रहे हैं। इतना ज़्यादा कई जगह पे तो इन्होंने रखा हुआ है, जैसे कलोल में कल निकाला, तो जगह जगह पे ये भी उनका शुरू है जी। एक बड़ी बात आप कह रही थी जिस पर पूरा देश सुनना चाहेगा, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की आप प्रमुख नेता है, वरिष्ठ नेता है, आपने एक बात कही कि उनका पन्ना प्रमुख नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी का संगठन नहीं, बल्कि प्रशासन पुलिस चुनाव लड़ रहा है। इसके कुछ उदाहरण आपने बताए, थोड़ा और विस्तार से अगर देश को बता सके संक्षिप्त में ही, कि ये बात आप इतने बड़े आरोप कैसे लगा रही हैं कि पुलिस प्रशासन अमित शाह के लिए चुनाव लड़ रहा है गांधीनगर? जैसे गांधीनगर में हम पहले तो कार्यकर्ताओं की मीटिंग करके चुनाव का शुरुआत करते हैं, तो जैसे हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज की और जिस पार्टी प्लॉट में रखी थी वहां पे उनको बोला गया कि यहाँ नहीं कर सकते हैं, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जो सिटी प्रेसिडेंट है गांधीनगर के, उन्होंने ही कहा कि आईजी लेवल के लोग, आईजी ने उनको बुलाया और वो कहते रहते हैं कि आप लोगों को इतना ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत क्या है। कलोल में जो है वो भी हमारे गांधीनगर के पास है, वो अलग विधानसभा है, कलोल में हमारे इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स को बुला के वहाँ के जो पीआई है वो बुलाते हैं और कहते हैं कि आप निष्क्रिय हो जाओ, आपको ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अमित शाह तो जीतने ही वाले हैं, तो आप लोगों को घर में बैठो, आप लोगों को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। इधर जुहापुरा है जो अहमदाबाद में है, वहाँ के एक कॉरपोरेटर है, उनको ईद के समय पे मैं मिलने गई तो आईजी फोन करके पूछता है कि कैंडिडेट यहाँ क्यों आई है,
वैसे तो अमित शाह ने एसजी रोड जो हमारा हाईवे है उसमें बहुत बड़ा ऑफिस खोल के रखा है, जिसमें इनके लोग जाते हैं, खाते हैं, बहुत हाईफाई ऑफिस खोला है। लेकिन हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो हम लोगों को तो ये कार्यकर्ता कभी टकराते नहीं है, ना ये जो पन्ना प्रमुख की बात करते हैं तो उनका हम लोग कहीं प्रचार देख रहे हैं, कहीं छुटपुट वो संडे के दिन पे कॉरपोरेटर के साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड वो तो वो जाने उनको जिस तरह से प्रचार करना है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पुलिस की बात है वो अलग अलग लेवल पे, जैसे गांधीनगर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सिटी प्रेसिडेंट ने बोला है कि हम लोगों को जब वो लोग कुछ भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो इनको पता चल जाता है और उस समय ये इनको बुला के कहते हैं कि आप ये क्यों करते हैं। एक जगह पे हमने बुक किया था हॉल तो उसको भी कैंसिल करवा दिया धक धमकी से। इसके बाद एक पेथापुर करके जगह है, वहाँ पे मैं गई थी तो वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बोला कि आप यहाँ आ नहीं सकते। तो दूसरे दिन हम जब राउंड में गए तो वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता और लोग बहुत कम दिखाई दिए, तो मैंने कहा कि इसका क्या रीज़न क्या है, तो उन लोगों ने कहा कि रात को ही उनके ऊपर अलग अलग जगह से फ़ोन आ गया था पुलिस का, और हमारे आगे भी प्लेन क्लोथ्स में गाड़ी जाती थी और वो जो सरपंच वगैरह है, चुने हुए लोग हैं, उन लोगों को डिस्करेज करके। तो हम जहाँ जहाँ गाँव में गए तो वहाँ वो बड़ी आश्चर्य की बात थी कि वहाँ लोग मिले नहीं, तो हमको पहले से ही डिस्करेज करने की कोशिश की गई कि आप कहीं घूम नहीं सकते। फिर दूसरी जगह में जब गई माइनॉरिटी एरिया में तो वो लोग कहने लगे मैडम आप तो कहीं घूम नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, ऐसी बात है नहीं, अभी भी मैं राउंड करके ही आई हूँ। लेकिन जो दूसरे, जैसे मैं एक कॉर्पोरेटर के घर गई, ईद का त्यौहार था तो कुछ करने के लिए, तो उनके ऊपर आई जी का फोन आया कैंडिडेट आपके घर पे क्यों आए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। सारण में भी हमारे जो लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग करवाई थी और इसके बाद जब वो थोड़े से ठंडे पड़ गए तो मुझे लगा कि क्या बात है, फिर इन्होंने शबनम जी से ही बोला कि इनके ऊपर भी पुलिस के आईजी लेवल से फोन आ गया। तो होता ये है कि जो लीडर्स होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं वो डरते हैं, उनको लगता है कि रोज रोज पुलिस के चक्कर में कौन पड़ेगा, उनको बिठाते जैसा अब कलोल में हमारे कॉरपोरेटर से चुने गए, उनको वहाँ के पीआई ने बुलाया और कहा कि भाई तुम खुद बैठो। और फिर मैंने जब इनको बोला हमारे कॉरपोरेटर को कि आप बोलते हो, तो मैंने पीजी को फ़ोन किया, मैंने कहा आप ये सब कर रहे हो तो मैं तो आपके ऑफिस में आके आपके धरना कर दूँगी। तो कहने लगा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारे कॉरपोरेटर्स को जब बोला तो उनकी बात से मुझे ऐसा लगा कि इलेक्शन 7 तारीख को चला जाएगा, लेकिन अगर पुलिस से लोग पंगा लेंगे तो इनको परेशानी हमेशा रहेगी। तो इसकी वजह से ये प्रेशर जो आता है अलग अलग जगह से वो बरकरार है। और इससे भी जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था तो कलोल में, जुहापुरा में कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा बहुत परेशान किया गया था, तो ये बात ये लोग भूले नहीं है। हमारे साथ ये बात करते हुए सोनल पटेल थी और वह गांधीनगर से कांग्रेस की प्रतिनिधि है, इस वक्त प्रचार में है, हम उनसे विदा लेंगे। और हमारे साथ कार्यकर्ता शबनम हाशमी और हमारे साथ देव देसाई जुड़ेंगे। शबनम हाशमी खुद गांधीनगर गई थी, हम उनसे जानेंगे, देव देसाई भी समझेंगे, देव देसाई से कि आखिर वहां की क्या स्थिति है। सोनल जी हम आपसे विदा लेते हैं क्योंकि डिस्टर्बेंस भी है और आपको फील्ड में भी जाना होगा, शुक्रिया आपका। शबनम जी आप होकर आई हैं गांधीनगर, आप लगातार गुजरात जाती रही हैं, गुजरात के हालात से परिचित हैं, आपने एक पत्र भी जारी किया है देश को, क्या वाकई वहां फ्री और फेयर इलेक्शन गांधीनगर में, जो देश के गृह मंत्री हैं जिन पर जिम्मेदारी है इस देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने की, क्या वह ठीक ठाक सब कुछ नहीं चल रहा? देखिए मैं गांधीनगर गई थी 14 अप्रैल को और 18 तक मैं वहां पे थी। मेरे पास जो मेरे पुराने साथी हैं, क्योंकि गुजरात में काम बहुत किया है, वो काफी फोन मेरे पास आए। शुरू में तो मैंने फोन पे कई लोगों को बातचीत की, मुझे लगा कि फोन पे मामला सुलट जाएगा, लेकिन जब काफी बार अलग अलग लोगों के फोन आए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पुलिस प्रशासन उत्पीड़न कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं खुद जाके देखती हूँ। और मैं गांधीनगर में तकरीबन 200 लोगों से मिली, जिसमें बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग भी थे, हमारे साथी भी थे, और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, और कांग्रेस के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंट हैं या और कार्यकर्ता हैं, मैं काफी लोगों से मिली। और अलग अलग जगह से, जो अभी सोनल ने भी कहा वही बात मुझे बताई गई कि वहां पे पीआई
पीआई, जैसे हमारे एसएचओ होता है दिल्ली में, वैसे वहां पीआई होता है, पीआई वहां लोगों को बुला रहे हैं, वहां पे क्राइम ब्रांच से बुलाया जा रहा है, वहां रूरल एरिया में एलसीबी कहलाती है, लोकल क्राइम ब्रांच, उनसे बुलाया जा रहा है, और यहां तक के इवन आईजी रेंज ने भी लोगों को बुलाया है, और बुला के अलग अलग लेवल पे अलग अलग बातें कही जा रही है। जैसे वो कोई आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बुलाएंगे तो उसको तो आप उस तरह धमकी नहीं देंगे, लेकिन जैसे एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि मुझे आईजी रेंज ने बुलाया और ये कहा कि भाई आपकी तो जो लीडर हैं वो तो जीतने वाली है नहीं, अमित शाह जो है वो बहुत बड़े लीडर हैं, उनका इतना सम्मान है, उनका सपना है कि इस बार पूरे देश में वो सबसे ज्यादा लीड के साथ जीते, तो आप उनका, हम सबको उनका सपना पूरा करना है, आप उसमें सपोर्ट कीजिए, आप निष्क्रिय हो जाइए, ये कहा गया। और ये मुझे कई लोगों ने बात की बताया, सिर्फ ये नहीं कि आईजी रेंज ने, मतलब पीआई लेवल पे भी वही मैसेज दिया जा रहा है, क्राइम ब्रांच भी वही मैसेज दे रही है। ऐसे लोग जिनके कहीं ना कहीं कुछ पुराना कोई केस था, मुकदमा है, तो उनको ये भी धमकाया गया। उसमें एक सज्जन से मेरी बात हुई है फोन पे, हालांकि वो मुकर जाएंगे, लेकिन उनको जबरदस्ती धमकी देके कि केस खोल देंगे और तुम्हें फिर हम कहीं का छोड़ेंगे नहीं, उनको दूसरी पार्टी का पे प्रेशराइज किया गया कि वो इलेक्शन लड़ें, और उन्होंने फाइल किया है, और जो जिसे कहते हैं कि इन चीजों का प्रूफ नहीं होता, लेकिन जो हवा में बातें हैं कि उनको 28 लाख रुपया भी दिया गया इलेक्शन लड़ने के लिए, और उनकी मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो एक कार्यकर्ता को ये समझा रहे हैं कि तुमको सोनल पटेल से क्या मिलने वाला है, तुम्हें घूम घूम के प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर बैठ जाओ, और तुम्हें कुछ सपोर्ट चाहिए होगी तो मेरे पास ही आओगी तुम, तुम्हें सोनल पटेल कुछ नहीं देने वाली, तुम्हें रिकॉर्ड, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई बार उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं, वो भी हैं। इसी तरह से अलग अलग लोगों ने कहीं पे इनके सपने की बात है कि सबसे ज्यादा लीड से जीते, तो कहीं पे ये कह रहे हैं कि आप घर बैठ जाइए, कहीं एक व्यक्ति को ये भी कहा गया कि तुम्हें क्या है भाई, घर बैठ के मुर्गा मच्छी खाओ, और नहीं है तो मैं भिजवा दूंगा। बाकायदा एक कर्णावती क्लब है, वहां पे मीटिंग हुई, जहां पे कई कम्युनिटी के सीनियर लीडर्स को बुलाया गया, वहां पे क्राइम ब्रांच के लोग भी मौजूद थे, जो मुझे बताया गया, वहां पे फॉर्मर और प्रेजेंट एमएलए भी मौजूद थे बीजेपी के, और खुलेआम वहां कहा गया कि आपके इलाके में प्रचार नहीं होना चाहिए और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एज इंडिपेंडेंट खड़ा कीजिए, ये माइनॉरिटी में बेसिकली, क्योंकि मेजॉरिटी में तो अगर कोई खड़ा होता है तो हमने हशर देख लिया है उसका, जो वीडियो वायरल हो गया है कि उसको प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट काट रहा है या जो ऐसा वोट काट रहा है जो अमित शाह का हो सकता है जी, उसको ये धमकी है कि तुम बैठो, बाकी दलितों का, मुस्लिम्स का, पिछड़े वर्गों का, गरीबों का कोई वोट काट रहा है अगर, तो उसको ज्यादा खड़ा किया जा रहा है और जबरदस्ती खड़ा करवाया जा रहा है पैसे दे दे के, और दूसरी तरफ ये सारी बातें जो है कि प्रेशर डाल के कि आप निष्क्रिय हो जाइए, कोई कैंपेन ना करें। फिर बैनर कई जगह, वो देव भी बताएंगे, वेजलपुर वगैरह में कुछ लोगों ने लगाए थे, जो देव ने मुझे बताया था, वहां से बैनर लगाते हैं तो उतार दिए जाते हैं, कहीं पे आप हॉल बुक कराएं तो उसे कैंसिल करा दिया जाता है ताकि आप कार्यक्रम ना कर पाए। और वेजलपुर पुलिस स्टेशन के तो अंदर अमित शाह का बैनर लगा हुआ है, उनका जो मैंने ट्वीट भी किया था, वो बैनर लगा हुआ है उनके प्रचार का पुलिस स्टेशन के अंदर, जो वेजलपुर एक, ये सब कुछ तब हो रहा है जबकि अभी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव लगातार अपनी चुनावी रैलियों में कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ उससे पहले हो रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि किसी थाने के भीतर किसी पार्टी के नेता का प्रचार जिताने की बात लिखी हुई है। खैर, हमारे साथ देव जुड़े हुए हैं, वह गुजरात के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वह भी लगातार इस चुनाव में सक्रिय हैं और वह फ्री एंड फेयर इलेक्शन के चीजों को देखते हैं। देव, आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है कि जो अमित शाह का सपना है, कोई नेता ये सपना देख सकता है, और ये कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है, जहां उनके सीनियर 400 का सपना देख रहे हैं, वो सबसे ज्यादा वोट का भी सपना इसी में पूरा कर लेना चाहते हैं, लेकिन क्या वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कहीं हाशिए पर डालकर यह प्रयास लगातार हो रहा है, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं हो रहा है गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में और बाकी जगह भी, मतलब मैं पाटन कॉन्स्टिट्यूएंसी जाके आ रहा हूँ, बनासकांठा कॉन्स्टिट्यूएंसी जाके आ रहा हूँ, जहाँ पे ये लोग हार रहे हैं, ऐसी 6 से 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे इनकी इनकी हाल बहुत बुरे है, वहाँ पे ये पूरे तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं।
जो शबनम जी ने बताया कि कोऑपरेटिव मंत्रा मतलब पुलिस का तो पूरा बताया, पर जो पूरा कोऑपरेटिव है जिसका जिसके मंत्री अमित शाह मुखिया अमित शाह हुआ करते थे, अभी भी है क्या? जी अभी भी है। तो कोऑपरेटिव जितना है गुजरात में तो कोऑपरेटिव बहुत स्ट्रांग है, बैंक कोऑपरेटिव है, मिल्क कोऑपरेटिव है, गन्ना कोऑपरेटिव है, तो यहाँ जितने कोऑपरेटिव है उसके जितने वर्कर है वो आपको कोई भी आज उनके ऑफिस में नहीं मिलेगा, वो सारे बीजेपी के प्रचार में उनको जबरदस्ती लगाया गया है। सारे छोटे छोटे गांवों में जो कोऑपरेटिव है वहाँ के जो जॉब करने वाले या वहाँ पे जिसके पास वो मंडली कहते हैं उसको, वो जो मिल्क कोऑपरेटिव की होती है, उनको ये कंपलसरी कहा गया है कि आपको इस गाँव से अगर आपका वोट नहीं निकला तो आपकी ये मंडली वगैरह हम कैंसिल कर देंगे। ये हुई रेस्ट ऑफ गुजरात की बात। अमित शाह की ये जो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि मैं घाटलोडिया में रहता हूँ और वो मुख्यमंत्री हमारे जो है उनका भी इलाका है, उनको पता है कि उनको पिछली बार जितना वोट मिला था उतना नहीं मिलने जा रहा है, ये उनकी ग्राउंड रिपोर्ट है। लोग महंगाई से परेशान है, लोग बेरोजगारी से परेशान है, नौजवान ज़्यादा परेशान है, महिलाएं परेशान है, यहाँ पे जो पशुपालक जिसको मालधारी कहते हैं उनको पिछले कुछ महीनों में जबरदस्ती अहमदाबाद से बाहर खदेड़ दिया गया है अपने पशुओं के साथ, तो पूरा वो वर्ग जो है वो परेशान है। राजपूतों वाला एक कंट्रोवर्सी यहाँ चल रहा है, तो उनको ये पता है कि उनको कहीं से भी वोट नहीं मिलने जा रहा है जितना पिछली बार मिला था, और ये बहुत चांसेस है कि उनको वोट कम ही मिल जाए। तो इसीलिए अभी जब पिछली बार अमित शाह यहाँ फॉर्म भरने जब आए हैं और उन्होंने जो रैली निकाली थी जिसको हमारा गोदी मीडिया जो है बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा रहा था, उसमें जनता नहीं थी। उसमें लोगों को द्वारिका से मतलब यहाँ से 450 किलोमीटर दूर मैंने गाड़ियाँ देखी है कि द्वारिका के पासिंग की गाड़ियाँ, जूनागढ़ के पासिंग की गाड़ियाँ, आनंद के पासिंग की गाड़ियाँ, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो कैंडिडेट बीजेपी से खड़े रहे या एमएलए जो यहाँ पे है उनको टारगेट दिया गया था कि आपको लोग मोबिलाइज करके यहाँ पे लाने अमित शाह जी की रैली में भीड़ दिखाने के लिए, और प्लस पूरा कोऑपरेटिव जो है पूरा कोऑपरेटिव का कैसे इस्तेमाल करके लोगों की भीड़ जमा करनी है वो बहुत अच्छे से ये जानते हैं। तो लोगों में डर और खौफ पैदा करना, हम लोग अभी फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे लोग मतलब हम बोल नहीं सकते ऑन कैमरा ऐसी गालियां देते हैं, पर उसके बावजूद जब हम कहेंगे कि क्या हम रिकॉर्ड करें तो बोले नहीं नहीं ये तो कल हमारे यहाँ पुलिस आ जाएगी या हमें परेशान किया जाएगा। तो लोग इनसे परेशान है, लोग इनकी इनकी जो तानाशाही है उनको सामान्य लोग समझते हैं, पर आज इन्होंने डर खौफ इतना फैला रखा है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है, अपना नाम देने को तैयार नहीं है। पर जब आप जमीन पे जाते हैं तो आपको जमीन से पता चलता है कि क्या हालात है, इनके हाल बुरे हैं, ये इनको समझ में आ गया है, इसीलिए ये पूरे तंत्र का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं। अगर इनको इतना कॉन्फिडेंस होता कि ये लोग इतने मार्जिन से अमित शाह जीत रहे हैं और बाकी उनके पास सारी गुजरात की सीटें आ रही है, तो ये तंत्र का इस्तेमाल करते नहीं। पर इनको ये समझ में आ गया है कि गुजरात इनके हाथ से फिसल रहा है, और गुजरात अगर इनके हाथ से फिसल गया तो ये तय है कि ये सत्ता में नहीं आ रहे हैं, ये वापस सत्ता में नहीं आ रहा है, इनका इसको इसकी समझ इनको आ गई है, इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं और बौखला के ये पूरे तंत्र को लगाए हुए हैं कि कैसे करके लोगों को घर से बाहर ना निकाले। देव देसाई, जरा हम समझते हैं शबनम जी से कि ताकत से, दबाव से, पुलिस प्रशासन, सरकार की मशीनरी से लोकप्रियता हासिल करने को आखिरकार लोकतंत्र में क्या कहेंगे? अगर ऐसा ही है और आप खुद भी होकर आई हैं, अगर कहीं बलपूर्वक लोकप्रियता हासिल करने का तरीका अख्तियार कर लिया जाए जिसमें कि सबसे ज्यादा वोट से जीतना एक नेता की लोकप्रियता के कारण हो सकता है, लेकिन इस लोकतंत्र में डंडे और ताकत और मशीनरी के बदौलत अगर हो रहा है तो आखिरकार अगर यही उदाहरण अमित शाह का देश में बनने जा रहा है तो फिर देश किधर जाएगा? क्योंकि शिकायतें तो बहुत हुई होंगी चुनाव आयोग से, लेकिन फर्क क्या नजर कुछ आ रहा है? इसको तानाशाही ही कहेंगे, और कोई शब्द तो है नहीं, डिक्टेटरशिप। और वही जो पहले हमने देखा है कि हम पहले मजाक उड़ाते थे या हम कहते थे कि हम बहुत आगे हैं, हम जियाउल हक का जमाना हमने पाकिस्तान का देखा है, फॉलो किया है, बिल्कुल वही हालात यहाँ पे है कि जो जियाउल हक ने वहां डिक्टेटरशिप चढ़ाई थी वही यहाँ पे है। मैं एक्चुअली मुझे कई बार जो चाहे वो आईजी हो या पीआई हो या पुलिस वाले उन पे तरस भी आता है, क्योंकि गृह मंत्री का वो टाले कैसे भाई, या तो रिजाइन करके घर चले जाएं, वरना गृह मंत्री का इलेक्शन है, गृह मंत्री का ऑर्डर है, गृह मंत्री का सपना है सबसे ज्यादा लीड से जीतना है, तो उसको वो भी कैसे डिनाई करें? नहीं करेंगे तो कल उनके साथ वही होगा जो हम देख रहे हैं कि कितने पुलिस ऑफिसर जो है संजीव भट्ट पड़े हैं जेल के अंदर, तो उनके साथ भी वही होगा। तो बिल्कुल यही हालात है। और एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगी, जो
देव बता रहे थे, एक कॉलेज में बच्चों को बुलाया गया कि आपका वाइवा का एग्जाम है, और वाइवा का एग्जाम कह के सबको बच्चों को बुलाया गया। जब आ गए तो उनको कहा गया कि आज सबको अमित शाह के रोड शो में जाना है। वहां पे झगड़ा भी हुआ, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किया, हाथापाई भी हुई। उसके बावजूद उनको कहा अगर आप नहीं जाएंगे तो इंटरनल एग्जाम में जो नहीं जाएगा उसे फेल कर दिया जाए। तो उस कॉलेज से 800 स्टूडेंट अमित शाह के रोड शो में गए। बाकी जो अभी देव ने बताया, मुझे नहीं मालूम था कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट से भी बुलाए गए। तो ये बिल्कुल जोर जबरदस्ती करके, और दूसरा जो ये इन्होंने जो 2019 में किया था कि जो माइनॉरिटी एरियाज हैं वहां पे 30 के करीब स्कूलों में, स्कूलों के जो बाहर बूथ के बाहर, जो बूथ के अंदर लोग होते हैं, बूथ के बाहर जो है आप टेबल लगाते हैं जिसमें आप पर्ची देते हैं वोटर को, अगर उसको नहीं मिल रहा है कि कौन से बूथ, ऐसा जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उस इलाके के वेजलपुर के, उनको बाकायदा बुलाया गया है। उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वोटिंग पीसफुल नहीं होनी चाहिए। पिछली बार भी 2019 में उन्होंने ये किया था कि आए थे, पुलिस साथ में थी, उन्होंने आके टेबल्स फेंकी, मतदार की जो जो पूरी वो होती है, क्या कहलाती है वो, यादी कहलाती है, गुजराती में मतदार यादी, वो छीन के ले गए। और उसकी वजह से पूरा जो अफरा तफरी का माहौल बना, उसके बाद घर से लोग निकले ही नहीं। ये भी बताया गया है, जो मुझे लोकल एक्टिविस्ट ने बताया कि दोपहर के बाद हम यहाँ पे ऑटो रिक्शा नहीं चलने देंगे, क्योंकि ज्यादातर औरतें जो है वो दोपहर के बाद निकलती हैं वोट करने, तो कोई साधन ही ना हो जिसमें बैठ के वो जाके अपने इलेक्शन बूथ तक जा सके। तो ये हर तरह से पूरा जो एक, जिसे कहते हैं कि डिक्टेटरशिप का जो माहौल होता है, वो पूरा बनाया जा रहा है। और उसमें फ्री एंड फेयर नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से लोग लड़ रहे हैं जमीन पे, शायद ये मोदी और अमित शाह ने भी नहीं सोचा होगा कि अमित शाह के सामने एक ऐसी औरत उतर के आ जाएगी जो कहेगी कि मुझे डर नहीं लगता अमित शाह से। उन सब के बावजूद लड़ रही है, एंड हैट्स ऑफ टू हर। जो मैंने जमीन पे जो भी दो चार दिन में वहां थी, हालांकि मैं तो अलग घूम रही थी, लेकिन एक दो जगह मैंने उनकी मीटिंग्स वगैरह भी देखी, तो उसमें काफी जनता जो है इस सारे प्रेशर के बावजूद इस बार डर नहीं रही। एक सेक्शन नहीं डर रहा, एक सेक्शन है जो डरेगा भी, लेकिन एक सेक्शन है जो लड़ रहा है। शुक्रिया आप लोगों का बातचीत के लिए। हम बातचीत कर रहे थे गांधीनगर में अमित शाह की उस लोकसभा पर जहां की बिना तानाशाही आए इस देश में तानाशाही जैसी स्थिति है। हमसे कार्यकर्ता देव देसाई और देश की प्रसिद्ध जानी मानी कार्यकर्ता सपना भास भी बात कर रही थी, वो खुद होकर आई है। जरा सोचिए कि जिस देश में दूसरी चुनाव लड़ने वाली पार्टियों को धमकाया जाए, उनके प्रेसिडेंट्स को धमकाया जाए, छोटे मोटे मुकदमे लगाकर पुलिस लगा दी जाए, थाने के भीतर पार्टी का प्रचार हो और वो कहे कि हम देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो जाहिर तौर पर वह वोट की बदौलत बनना चाहिए, डंडे ताकत बंदूक और वोटों से नहीं बनना चाहिए। लेकिन यह शिकायत यही है कि उसी की बदौलत देश के सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा सीटों वोटों से जीतने की कोशिश में अमित शाह लगे हैं। अब सवाल यह है कि हमारा स्ट्रक्चर कहां बचेगा, देश कहां बचेगा, क्या इसी को गुजरात मॉडल कहते हैं? गुजरात विधानसभा चुनाव मैं कवर कर रहा था, उस चुनाव में भी लोग इसी तरह की शिकायतें कर रहे थे। लोग माइक पर बोलना नहीं चाह रहे थे, बात बात में कहते थे कि जो बोलेगा वह जेल जाएगा। तो प्रश्न बड़े हैं और इसके मुकाबले यह चुनाव भी बड़ा है। ऐसे में यह जानकारियां चुनाव आयोग तो पता नहीं पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं, जो जिसकी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की, क्योंकि अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो चुनाव आयोग भी नहीं बचेगा, न यह तंत्र बनेगा, न ईडी सीबीआई बचेगी, फिर तो सिर्फ डंडा ही बचेगा। बाकी को तो आप देख ही रहे हैं, तय कर ही रहे हैं, कुछ दिनों में चुनाव है, कुछ दिनों में रिजल्ट है, लेकिन जो स्थितियां हैं, अगर गुजरात में ऐसा हो रहा है और खासकर कर अमित शाह की उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसका नाम गांधीनगर है, बेचारे गांधी भी जहां होंगे वहां सोचते होंगे कि आखिर कौन सा अहिंसा का पाठ मैंने गुजरात से शुरू किया था जो एक सदी बीतते बीतते तानाशाही में बदल गया है। शुक्रिया आप सबका बातचीत के लिए। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग
में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।